आज के युग में महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत विश्व के प्रमुख देशों के रूप में उभर कर सामने आया है। इसका श्रेय जाता है अविभाजित भारत के प्रथम महिला अध्यापिका सावित्री फुले को, जिन्होंने 3 जनवरी सन 1831 में जन्म लिया तथा उस समय जब कोई महिलाओं की शिक्षा के विषय में सोच भी नहीं सकता था, उन्होंने खुद ने अध्ययन किया और चचेरी बहन फातिमा शेख जैसी मुस्लिम महिला को भी शिक्षिका बनाया। सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के राष्ट्रीय संयोजक सुनील सरदार के निर्देशानुसार अविभाजित भारत की प्रथम अध्यापिका सावित्री देवी फुले की 191वीं जयंती के अवसर पर देशभर में उनकी जयंती को शिक्षा सेवा सम्मान के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में अपने अलग ही सेवा कार्यों के लिए संस्था जयगोपाला द्वारा अध्यक्ष अशोक यादव जयगोपाला की अगुवाई में वार्ड 19 के सभी आंगनवाड़ी केंद्र शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों की शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। संस्था सचिव एडवोकेट राजेश कुशवाहा ने बताया कि संस्था अध्यक्ष अशोक यादव जयगोपाला की अगुवाई में संस्था द्वारा सामाजिक, धार्मिक, पारमार्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवा कार्यों को निरंतर बढ़ाते हुए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज अविभाजित भारत की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले की 191वीं जयंती के अवसर पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में वार्ड 19 की सभी शिक्षिकाओं को सम्मानित करते हुए प्रशंसा पत्र एवं मोमेंटो भेंट किया गया। अपने सम्मान से हर्षित शिक्षिकाओं ने संस्था जयगोपाला द्वारा सावित्रीबाई फुले जयंती पर उन्हें सम्मानित करने पर हर्ष व्यक्त किया। इस दौरान संस्था जयगोपाला के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक यादव जयगोपाला ने विद्यार्थियों को भी सावित्रीबाई फुले के इतिहास के बारे में जानकारी दी। जो हमारे देश की प्रथम शिक्षिका थी, जैसे टीचर है ना दीपिका मैडम, ऐसी सबसे पहले अगर जिन्होंने आप लोग पढ़ रहे हो मैडम टीचर बनी हुई है, ये उन्हीं की देन है, नहीं तो पुरुष के अलावा कोई टीका में सबसे पहले सावित्रीबाई फुले हमारी टीचर थी। जब वो पढ़ाने के लिए गाँव में और जाती थी तो गांव की महिलाएं पुरुष उनको गोबर मारते थे कि कोई टीचर बनेगा क्या, महिला कभी टीचर नहीं बन सकती है। उनने संघर्ष कर पहले सबसे पहले प्रथम कन्या विद्यालय, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो कन्या, सबको प्रथम विद्यालय कन्या का उन्हीं ने बनाया था। किसानों के लिए स्कूल सबसे पहले सावित्रीबाई फुले की देन थी, जिसकी वजह से आज हम शिक्षक में जन जागरण करके आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और मैडम जैसे टीचर यहाँ पर उपलब्ध हैं। नहीं तो हिंदुस्तान के अंदर पुरुष प्रथा थी और महिला प्रथा नहीं थी। जोरदार तालियां बजाओ बच्चों, हमारे लिए सावित्रीबाई फुले आप ही हैं। आप ही हैं। जोरदार तालियां बजाओ। अब एक बार जानकारी है, हाँ इसके पहले शिक्षिकाएं मतलब कोई और ना पढ़ाने जाते थे तो सब लोग सावित्रीबाई फुले अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे। आज मालूम है ना सावित्रीबाई फुले का, बताओ बच्चों को इसके बारे में। पहली शिक्षिका थी, जैसे आप लोग शिक्षिका हो ना, अगर वो नहीं होती तो आज कोई शिक्षिका नहीं होती। बताएं संस्था जयगोपाल हमेशा एक नई सोच के साथ नया कार्य करती है, इस वर्ष किस तरह से सावित्रीबाई फुले की जयंती को मनाया जा रहा है? जिस प्रकार से आपने बोले ही कि संस्था जयगोपाल हमेशा नई सोच लेके चलती है, आज सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है और वह देश की प्रथम शिक्षिका थी। तो जिस तरह से हम सत्शोधक समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुनील सरदार जी के नेतृत्व में यह प्रोग्राम चलते ही रहता है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज वार्ड 19 की सभी आंगनवाड़ी, क्योंकि सबसे जैसे पहले सावित्रीबाई फुले महिला अध्यक्ष थी, उसी प्रकार हम देखें तो आंगनवाड़ी जो है वह भी सबसे पहली शिक्षिका, वहीं शिक्षक बच्चों को शिक्षा मिलती है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, वार्ड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल की शिक्षिकाओं का, जो भी पढ़ाने आती है उनका आज हम संस्था जयगोपाल के द्वारा सम्मान, प्रशंसी पत्र और मोमेंटो देकर उनका सम्मान कर रहे हैं। आपका नाम? अशोक यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्था जयगोपाल। राय जी बताएं, आज हम देख रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले की जयंती है, आप लोगों ने स्कूलों में जाकर टीचर्स का सम्मान कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है आज? जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि आज भारत देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती है, 3 जनवरी को उनकी जयंती हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाई जाती है। इसी कड़ी में आज संस्था जयगोपाला द्वारा वार्ड क्रमांक 19 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में
संस्था के द्वारा प्रत्येक स्कूल में जाकर महिला शिक्षिकाओं का सम्मान किया जा रहा है और वहाँ के वहाँ पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को ये जानकारी दी जा रही है कि इस देश में प्रथम शिक्षिका अपने भारत देश की कौन थी जिन्होंने महिलाओं के लिए संघर्ष करते हुए इस शिक्षा प्रथा को आगे बढ़ाया है और उनका जो संघर्ष आज सभी लोग याद करें। इसी कड़ी में हम लोगों ने संस्था जयगोपाल अशोक यादव जी के द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया है जिसमें हम हमारे वार्ड क्रमांक 19 के ग्राम कुमेड़ी से प्रारंभ कर रहे हैं और वार्ड के सभी स्कूलों में जाकर अर्धशासकीय और शासकीय स्कूलों में जाकर सभी महिलाओं शिक्षिकाओं का सम्मान करना चाह रहे हैं। आपका नाम? संस्था जयगोपाल, राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट राजेश कुशवाहा। बताएं आज क्या अवसर है और किस तरह आज आपका सम्मान हो रहा है? आज श्रीमती सावित्रीबाई फुले देवी जी का जन्मदिवस है, उस उपलक्ष्य में संस्था जयगोपाला द्वारा हम सभी शिक्षिकाओं का सम्मान किया जा रहा है। वो प्रथम शिक्षिका थी जिन्होंने कष्ट और संकट उठाते हुए और ये शिक्षा प्रथा को आगे बढ़ाया, यानी कि उसके पहले कोई भी महिला शिक्षिका नहीं थी जो यहाँ पर सब बच्चों को शिक्षा दे सके। उन्होंने बहुत परेशानियाँ उठा करके और अपनी कामयाबी हासिल की है और इसी उपलक्ष्य में हम शिक्षिकाओं का संस्था जयगोपाला द्वारा सम्मान किया जा रहा है। किस तरह से आपकी हौसला अफजाई होती है जब कोई संस्था आप लोगों का इस तरह से सम्मान करती है तो क्या हमें अच्छा लगता है कि कोई हमें टीचरों को भी अच्छा वो समझता है कि हम बच्चों को शिक्षा दे करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। इस मामले में सोचते हैं कि हम लोग कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए ऐसा। आपका नाम बता दीजिए। श्रीमती दीपा रघुवंशी।